नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभी भी कुछ ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में क्यों दिख रहे हैं, और क्या ये सारे ऐप्स आपके स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देंगे। देखिए इस वीडियो को बनाने तक अब भी कुछ ऐप एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। ऐसा इसलिए है कि सरकार की रिक्वेस्ट के बाद कंपनियां कुछ समय लेती हैं और इसके बाद इन्हें ऐप प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है। ऐप बैन करने की स्थिति में आमतौर पर सरकार की तरफ से गूगल और एप्पल को अपने भारतीय ऐप स्टोर से इन ऐप्स को हटाने के लिए कहा जाता है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है, और यही कारण है कि कुछ ऐप्स अब भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। अब मन में एक सवाल उठता है कि जिन स्मार्टफोन यूजर्स के पास टिकटॉक पहले से ही इंस्टॉल्ड है, क्या वो इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि भारत में पहले भी कुछ चीनी ऐप्स को बैन किया गया है, इनमें टिकटॉक भी है। तब भी बैन करने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, यानी कोई नया यूज़र इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता था। यानी अगर इस बार पिछली बार की तरह ही सरकार बैन लगाती है तो आपके स्मार्टफोन का ऐप काम करता रहेगा, कंटेंट भी अपलोड कर सकेंगे, लेकिन नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा। पिछली बार ये भी देखने को मिला था कि टिकटॉक ऐप को लोग एक दूसरे के साथ मोबाइल से शेयर करने लगे थे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये सभी 59 ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए सरकार आईपी एड्रेस का सहारा ले सकती है। ऐसा करने से यूजर इन ऐप्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बावजूद कई तरीके हैं जिनसे ये ऐप्स यूज किए जा सकते हैं, जो ट्रिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।